अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खड़े गरम मसाले के मटन करी, जिसे हम मटन स्टू भी कहते हैं। बिहार में ये फेमस डिश है, मटन स्टू। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हम इसे बनाते हैं। यहाँ पे 300 ग्राम मैंने मटन लिया है, जिसे साफ से धो के वॉश करके रख लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 10 से 12 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए हो तो आप 3 से 4 प्याज भी ले सकते हो। अब यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे, जैसे एक बड़ी इलायची लिया है मैंने, एक छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 7 से 8 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 तेज़पत्ता। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कुकर लिया है मैंने यहाँ पर, कुकर को हम गर्म करेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो कांदे को बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड करेंगे। अब जो हमने सारे खड़े गरम मसाले निकाले थे वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे और अदरक लहसुन को हम जो है बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ठीक है, इस डिश की स्पेशलिटी यही है कि इसमें अदरक लहसुन जो है खड़े खड़े पड़ते हैं और सारे खड़े गरम मसाले पड़ते हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से लाल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कांदा जो है लाल हो चुका है, यानी कि ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पे हम यहाँ पे अब डालेंगे मटन। आप मटन ऐड कीजिए, कांदा जो है आपको अच्छे से लाल करना है, काला नहीं करना है। ठीक है, जब कांदा लाल हो जाए तब इसमें मटन ऐड कीजिए, स्वाद अनुसार नमक डालिए और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून आप डालिए इसमें रेड चिली पाउडर। सॉरी, वो शूट नहीं हो पाया है रेड चिली पाउडर का, तो आप आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डालिए और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालिए। इनको इस मिर्च को डाल के अच्छी तरीके से हमें मटन को भूनना है हाई फ्लेम पे। ठीक है, जब मटन अच्छी तरीके से आपके भून जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तब इसमें आप पानी ऐड कीजिए। पानी ऐड करने के बाद एक बार हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके अब हम इसके ऊपर कुकर की लेड लगा देंगे और इसे तकरीबन 20 मिनट पकाएंगे। गोश्त गलने के लिए गलने का सीक्रेट तरीका यह होता है कि हाई फ्लेम पे आप 2 से 3 सीटी लीजिए और बाकी इसे स्लो फ्लेम पे बाकी का टाइम पकाइए। देखिए यहाँ पर मटन मेरे गल चुके हैं और लीड खोल के देखते हैं हम किस तरीके से बने हैं ग्रेवी। ये देख सकते हो आप कितना सूखा सूखा बना है। तो ये जो डिश है वो सूखा सूखा ही बनता है, जिसे हम कहते हैं मटन स्टू। देखिए अभी आप यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बन के तैयार हुए हैं। खाने में काफ़ी मज़ेदार लगते हैं, एक बार आप ज़रूर बनाइए। आप बाकी ग्रेवी भूल जाओगे और हमेशा यही बनाना चाहोगे। ये डिश की स्पेशलिटी ये है कि कांदे को अच्छा लाल करना है, उसमें मटन डालना है, सारे खड़े गरम मसाले डालने हैं और अदरक लहसुन चॉप करके डालना है। बस इसे गलाना है और तैयार है हमारी ये डिश। देख सकते हो आप कितने डिलीशियस दिख रही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से स्वाद में भी।